पधारे हमारे महाराज ढोकला साहब मंत्री पर सभा शुरू की जाए। ओके तो फ्रेंड्स, कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद हम लोग अब आए हैं हवेली, जो मेन हाईवे से जस्ट पास में पड़ती है एकदम। तो आइए हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, तो उसके बाद में फिर आगे निकलेंगे। कुआं है यार, ये कुछ ज़्यादा गहरा नहीं है, है? क्या भाई साहब कैसा लग रहा है? अभी तो जस्ट आए हैं, पहले घूम तो लें उसके बाद बताते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ पर आपको एकदम पुराना कल्चर देखने को मिलेगा, पूरा जो पहले हुआ करता था। This is a Lamborghini man. ये देखो फ्रेंड्स, पुराने ज़माने का खटिया। मेंटेन सोशल डिस्टेंस यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी है। और आंटी कैसी हो? देखो बाल बाल कटवाने हो तो यहाँ से कटवा सकता है आप, देखिए यहाँ पर। चलो जी, यहाँ पर बहुत कुछ है। अरे इसको ऊपर तक कहाँ कर रहे हैं? इसको तो बहुत ही बढ़िया है ये। इन्होंने जुगाड़ बड़ा अच्छा लगाया है, कार की सीट की जगह इन्होंने घर वाला चेयर डाल दी। बहुत ही बढ़िया रे बाबा। ये मेरे को ये गाड़ी चाहिए रे। इसका चार्ज किधर है? गियर किधर है? इसको स्टार्ट कैसे करेगा? कुछ नहीं है लेकिन हमारा बहुत कुछ है। चलो आओ चलते। ये जुगाड़ है देखिए, इंडियाज बेस्ट ग्रेट जनरेशन इज द जुगाड़। सबसे बेस्ट जुगाड़ ये, इसको देखो एग्जाम वाला। एक वो कार में कौन सी एसी लगाई है? ये देखो जुगाड़ नंबर फाड़ू पूरा, ये देखिए क्या बात है भाई साहब। जुगाड़ इन भाई साहब को शीशा नहीं बनाया, लैपटॉप को शीशा बना लिया। ये देखो उनको हेलमेट नहीं मिला, उन्होंने किला उठा लिया। हाँ ये देखो, अरे कहते नहीं है इंडिया जुगाड़ से चलता है भाई। अरे धो ले अच्छी तरह से भाई, कुछ कहना मत यार, इतने का सवाल है। हाँ हमको करना नहीं आता, मेन बात ये है जी। इनका बच्चा मिसिंग है, अब अपना मुंह लगाइए उधर। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं गाते हैं, सिर्फ हम रील बनाना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, हवेली का जो आज का कोटा है वो पूरा हो चुका है, तो अभी हम चल रहे हैं आगे। तो अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ अपनी बाइक पे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी नहीं भी है, गर्मी इतनी लग नहीं रही है, तो मौसम काफ़ी बढ़िया है। तो आज हम जा रहे हैं जलंधर, तो चलिए चलते हैं। सर क्या था ना कि काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि राइड करना है, लेकिन राइड का कुछ प्लान बन नहीं रहा था, क्योंकि जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम लोग राइड पर नहीं निकल पा रहे थे। आज फाइनली हमें छुट्टी मिली है जॉब से, तो हम लोग चल रहे हैं एक राइड पर। बहुत ही अच्छा है, रोड काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं अमृतसर के।
पार्किंग एरिया है सारा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नकोदर शहर में। तो अभी हम चलेंगे दरगाह में और देखते हैं अगर वहाँ पर कैमरा वगैरह अलाउड हुआ तो अंदर से दिखाएंगे, नहीं तो फिर हम ऐसे घूम। ये प्रसाद करें दोस्त, अगर आप दरगाह में अंदर जाना चाहते हो तो प्रसाद वगैरह लेकर तो जाएं अंदर। और ये दरगाह का जो है बाहर वाला हिस्सा है, बैक साइड, जय बाबा मुराद शाह जी, ये बैक साइड है। तो फ्रंट जो अंदर एंट्री है वो वहाँ से है आगे से। तो दोस्तों हम लोग अंदर गए अभी दरबार में हैं, माथा टेक कर आ चुके हैं। तो अंदर जो है कि अंदर का ये सीन है काफ़ी बढ़िया बना हुआ है अंदर, क्योंकि अंदर जो है कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम अंदर की वीडियो आपको नहीं दिखा सके। पर जो हम बाहर का जो है व्यू है वो काफ़ी अच्छा व्यू है, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ एक बार, तो आप देखिए और इन्जॉय करें। दोस्तों इस वीडियो को मैं इसी पार्ट में एंड कर रहा हूँ, तो आज की वीडियो जो कि यहीं तक रहने वाली थी, तो अब मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, तो इसके पार्ट टू में। अब तक के लिए जय राम जी की। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसके पार्ट टू में। तब तक के लिए बाय बाय।